दोस्तों हाई स्कूल और हाई सेकेंडरी स्कूल के रिजल्ट के इंतजार में कई स्टूडेंट बैठे हुए हैं और अभी तक यहां पर परिणाम घोषित नहीं किया गया है। अब ऐसे में संभावना है कि जुलाई के महीने में या फिर लास्ट में या फिर शुरुआत में यहां पर रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। अब यहां पर अगर 10वीं 12वीं का रिजल्ट घोषित नहीं किया जाता है तो हो सकता है शिक्षा विभाग की कई ऐसी अर्थव्यवस्थाएं हैं जो कि बिगड़ जाएं। तो यहां पर गवर्नमेंट को सोचना ये जरूरी है कि जल्दी से जल्दी बच्चों का रिजल्ट घोषित कर दिया जाए, क्योंकि यहां पर बच्चों का फ्यूचर खराब होने की ज्यादा संभावना होती है। तो यहां पर दोस्तों आज की इस वीडियो में हम यही सब बात करने वाले कि कब 10वीं और 12वीं का रिजल्ट घोषित किया जाएगा। उससे रिलेटेड मैंने कुछ स्क्रीनशॉट लेकर रखे हैं जिन्हें मैं आपको बताऊंगा, और यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से 10वीं और 12वीं का रिजल्ट बनाया जाएगा और क्या कैसी क्या पूरी डिटेल्स है। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं रानू स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे और आपके इस YouTube चैनल स्मार्ट टाइम में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं यहां पर ऑनलाइन फॉर्म्स और एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों यहां पर मैंने सिंपली एक आर्टिकल के कुछ स्क्रीनशॉट लेकर रखे हैं जिन्हें मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। देखिए यहां पर कुछ बेसिक डिटेल्स हैं जिन्हें मैं आपको जल्दी जल्दी बताने की कोशिश करता हूं। देखिए स्क्रीन पर आपको नोटिफिकेशन दिख रहा होगा, यहां पर लिखा है कि एमपी बोर्ड 10वीं रिजल्ट 2021 मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या एमपीबीएसई एमपी बोर्ड रिजल्ट 2021 को जुलाई 2021 के महीने में संभावित रूप से घोषित किया जाएगा। मतलब कि यहां पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि जुलाई में ही यहां पर रिजल्ट घोषित किया जाएगा। इसके बाद यहां पर एमपी बोर्ड 10वीं का रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट mpresult.nic.in पर घोषित किया जाएगा। छात्र अपना रोल नंबर दर्ज करके एमपी बोर्ड रिजल्ट 2021 की जांच कर सकेंगे। यहां पर दोस्तों क्या होता था कि जो पिछली वेबसाइट थी वो थी mpbsc.nic.in, उसके माध्यम से यहां पर रिजल्ट घोषित किया जाता था, लेकिन यहां पर इस साल इस वेबसाइट को बदल दिया गया है। यहां पर वेबसाइट हो चुकी है mprisult.nic.in। तो यहां पर इसी वेबसाइट पर आपको इस साल रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो यहां पर बताया गया है कि किस तरीके से आपका रिजल्ट बनाया जाएगा। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि अर्धवार्षिक परीक्षा और प्री बोर्ड के अंकों के अनुसार आपको 50% यहां पर मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है ना। 100% में से 50% मार्क दिए जाएंगे जो आपके स्कूल में अर्धवार्षिक परीक्षा होनी थी या फिर प्री बोर्ड हुए हैं उन्हीं के आधार पर आपको 50% मार्क दिए जाएंगे जो कि आपके स्कूल से ही कलेक्ट किए जाएंगे। इसके बाद यूनिट टेस्ट के अंक 30% रहेंगे। मतलब कि जो आपके स्कूल में मान लीजिए कोई भी बेसिक टेस्ट होते हैं उनके आधार पर जितने भी अंक आपको दिए जाते होंगे वो स्कूल डिसाइड करेगा कि कैसे क्या अंकों की सूची एमपी बोर्ड को देनी है। तो वो मतलब कि स्कूल पर ही डिपेंड रहेगा। यहाँ पर 100% 50% मार्क्स अर्धवार्षिक और प्री बोर्ड के अंक भी स्कूल पर ही डिपेंड रहेंगे, और 30% यूनिट टेस्ट अंकों की भी लिस्ट यहां पर एमपी बोर्ड को जो भेजी जाएगी वो भी स्कूल पर ही डिपेंड रहेगी। इसके बाद अतिरिक्त मूल्यांकन में मिले अंक 20% रहेंगे। मतलब कि आपके व्यवहार या फिर पिछली कक्षाओं में क्या आपकी परसेंटेज है उसके हिसाब से आपको 20% अंक दिए जाएंगे। मतलब कि 50% और 30% और 20% टोटल 100%। अब 100% में से यहां पर आपको कितनी भी परसेंट दी जा सकती है, लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं कि यहां पर मिनिमम आपकी परसेंटेज 50% से कम नहीं होने वाली है और मैक्सिमम यहां पर 70% से आपकी परसेंट अधिक नहीं होने वाली है। ये चीज मैं यहां पर इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कुछ विद्यार्थियों के मन में यहां पर डाउट था कि कुछ बच्चों की यहां पर ज़्यादा परसेंटेज बन जाएगी और कुछ बच्चों की यहां पर कम बनेगी। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। यहां पर मिनिमम आपको 50% दी जाएगी और मैक्सिमम आपको 70%, वो भी आपके स्कूल और आपके आचरण और आपकी पिछली कक्षाओं के अंकों के हिसाब से। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट आर्टिकल पढ़ते हैं। तो यहाँ पर लिखा है एमपी बोर्ड 10वीं की परीक्षा 2021 को कोविड-19 संक्रमण के मामलों में वृद्धि के कारण रद्द कर दिया गया था। केवल सभी विषयों में अनुपस्थित रहने वाले छात्र अनुत्तीर्ण होंगे। मतलब कि यहाँ पर अगर आपकी स्कूल में अटेंडेंस कम पाई जाती है तभी आप यहाँ पर फेल हो गए। अगर स्कूल अपनी अटेंडेंस कम भेजेगा छात्र की या फिर बिल्कुल भी नहीं भेजता, वो बोलता है हमारे स्टूडेंट ने ऑनलाइन क्लासेस ली ही नहीं या फिर स्कूल में आए नहीं, तो आप फेल हो सकते हो। इसके बाद यहाँ पर इस आर्टिकल में नेक्स्ट चीज बताई गई कि यहाँ पर जो आपके प्रोजेक्ट के नंबर रहेंगे वो आपकी मेन परसेंटेज के आधार पर ही आपको प्रोजेक्ट में नंबर दिए जाएंगे। मान लीजिए आपकी 50% है तो यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट में पासिंग मार्क्स ही दिए जाएंगे। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की। तो यहाँ पर लिखा है पिछले साल 4 जुलाई 2020 को mpbsc.nic.in के माध्यम से एमपी बोर्ड का परिणाम घोषित कर दिया गया था, क्योंकि उस टाइम भी कोरोना काल चल रहा था। तो यहाँ पर भी काफी देरी हो चुकी थी
ही यहाँ पर परिणाम घोषित करने में। और बाकी का नोटिफिकेशन दोस्तों आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, तो आप वीडियो को पोस्ट करने के बाद यहाँ पर पूरा नोटिफिकेशन पढ़ सकते हो। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आपके मन में किसी भी तरह का सवाल है तो दिए गए इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो करें, वहां पर आपके मन में जो भी सवाल है हमसे पर्सनली पूछ सकते हो। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।